जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब। जब कभी भी बॉलीवुड में सुनहरे दौर की खूबसूरत अभिनेत्रियों की बात होगी तो इस दिलकश अदाकारा के जिक्र के बिना बात अधूरी ही रहेगी। जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा शबाब। 60 के दशक में इस हसीन एक्ट्रेस का बॉलीवुड में बड़ा जलवा था। आँखों में कयामत के काजल, होंठों पे गजब की लाली है। इनके तीखे नैन नक्श दर्शकों के दिलों में सीधा उतर गए थे। जहां उनके खाते में बड़े बड़े सितारों के साथ कई हिट फिल्में हैं तो उस सुनहरे दौर के कई खूबसूरत नगमे भी उन पर फिल्माए गए हैं। ये जो लड़का है पहले दीवाना, उसने को पाना सीख तो जा। आओ हुजूर, कजरा मोहब्बत वाला, बेखुदी में सनम, तुमसे अच्छा कौन है, जब हम होंगे 60 साल के, जन्म जन्म का साथ और भंवरे की गुंजन जैसे गानों में नजर आने वाली ये अदाकारा हैं बबीता शिवदासानी, जो बाद में बन गई थी बबीता कपूर। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चल। फिल्मों की कामयाबी ने बबीता को इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम दिलाया, पर तभी बबीता को प्यार हो गया, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। अपने जिस प्यार को पाने के लिए बबीता ने स्टारडम, शोहरत और रुतबा सबको दरकिनार कर दिया था, उसी की वजह से बबीता को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा था। तेरी गली ना छोडूं, दुनिया में छोड़ दूं। आज हम बबीता जी की जिंदगी के सभी पहलू आपके सामने रखने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फिल्मटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। बेखुदी में सनम, उठ गए जो कदम, आ गए पास हम। बबीता का पूरा नाम बबीता हरी शिवदासानी है। सिंधी परिवार से ताल्लुक रखने वाली बबीता के पिता हरी शिवदासानी भी एक एक्टर थे और मशहूर एक्ट्रेस साधना रिश्ते में बबीता की कजिन थी। 20 अप्रैल 1947 को जन्मी बबीता का परिवार मूलतः पाकिस्तान से था। भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त उनका परिवार भारत आ गया। आप यहां आए इसलिए, बबीता के पिता हरि शिवदासानी फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, जिसकी वजह से उनके घर पर फिल्म वालों का आना जाना लगा रहता था। बबीता को फिल्मों में पहला ब्रेक भी बड़ी आसानी से मिल गया था। मशहूर फिल्म मेकर जीपी सिप्पी एक दिन बबीता के घर आए हुए थे। जीपी सिप्पी ने जैसे ही बबीता को देखा, राज फिल्म के लिए राजेश खन्ना के अपोजिट बबीता को कास्ट कर लिया। हालांकि राज फिल्म से पहले ही उनकी संजय खान के साथ फिल्म 10 लाख रिलीज हो गई। ये फिल्म ज़्यादा कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन इस फिल्म से बबीता के फिल्मी सफ़र का आगाज हो गया। अगले ही साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म राज ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई। दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे। बबीता ने अपने फिल्मी करियर में मात्र 19 फिल्में ही की हैं। बबीता की कई यादगार फिल्में दर्शकों के सामने आईं, जिनमें किस्मत, तुमसे अच्छा कौन है, हसीना मान जाएगी, अनजाना, कब क्यों और कहां, और पहचान जैसी फिल्मों का नाम खास तौर पर शुमार है। बबीता को लगातार काम मिल रहा था। इसके बाद बबीता को शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र जैसे दिग्गज सितारों के साथ काम करने का मौका मिला। इन सितारों के साथ बबीता की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और बबीता का करियर चल निकला।
जितेंद्र के साथ फिल्म फर्ज ने सफलता के कई रिकॉर्ड कायम किए। बबीता और जितेंद्र की जोड़ी को पर्दे पर बेहद पसंद किया गया। दोनों ने फर्ज के अलावा औलाद, अनमोल मोती, बनफूल और एक हसीना दो दीवाने में साथ काम किया था। बबीता बॉलीवुड की बेहद ग्लैमरस और बोल्ड एक्ट्रेसेस रहीं। फिल्मों में उन्होंने स्विमिंग सीन भी दिए थे। जब बबीता की मेहनत का असर दिखने लगा था, दुनिया उन्हें जानने लगी थी, तभी उन्हें प्यार हो गया। और प्यार ने तो जैसे उनके फिल्मी करियर पर फुल स्टॉप ही लगा दिया। उन्होंने इंडस्ट्री में अपने करियर के चरम पर फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था। वजह थी रणधीर कपूर से शादी। 1971 में बबीता के करियर की एक अहम फिल्म कल, आज और कल रिलीज हुई थी। इसमें उनके अपोजिट राज कपूर के बेटे और एक्टर रणधीर कपूर हीरो थे। इस फिल्म के दौरान दोनों में प्यार हो गया, पर समस्या ये थी कि रणधीर पंजाबी थे तो बबीता सिंधी परिवार से ताल्लुक रखती थी। और दूसरी बात ये, वो दौर था जब कपूर खानदान में किसी ने भी एक्ट्रेस से शादी नहीं की थी। जाहिर है कि बबीता और रणधीर का ये रिश्ता इस नियम के खिलाफ था। इसलिए अरसे तक रणधीर और बबीता गुपचुप रूप से अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते रहे। हालांकि बबीता ने कह दिया था कि अगर रणधीर कपूर उनसे शादी नहीं करते तो वो उन्हें भूल जाएं। लेकिन रणधीर कपूर ने बबीता से ही शादी करने की ठान ली थी। कहा जाता है कि बबीता से शादी करने के लिए रणधीर ने अपने परिवार से काफी लड़ाई लड़ी थी। रणधीर ने अपने पिता राज कपूर से शादी की बात की। राज कपूर बबीता को अपनी फिल्मों की हीरोइन तो बनाने को तैयार थे, पर घर की बहू नहीं। लेकिन रणधीर ने अपनी जिद के आगे इस परंपरा को बदल दिया। रणधीर कपूर से शादी करने से पहले बबीता इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा बन चुकी थी, लेकिन शादी के लिए उन्हें फिल्मी पर्दे से दूर होना पड़ा। दरअसल राज कपूर ने यह शर्त रखी कि रणधीर से शादी करने के लिए बबीता को एक्टिंग छोड़नी होगी। बबीता रणधीर से बेहद प्यार करती थी तो उन्होंने ये शर्त मान ली और 6 नवंबर 1971 को दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद बबीता और रणधीर की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन रणधीर का फिल्मी करियर धीरे धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ने लगा। उसी दौरान 1974 में उनकी बेटी करिश्मा का जन्म हुआ। रणधीर 80 के दशक तक फिल्में करते रहे, हालांकि उनकी कोई भी फिल्म हिट साबित नहीं हो रही थी। रणधीर शराब के नशे में डूबे रहने लगे। रणधीर कपूर के शराब पीने की आदत से बबीता नाराज रहने लगी। 1980 में उनकी दूसरी बेटी करीना का जन्म हुआ। दो दो बेटियों की परवरिश के लिए बबीता को अब पैसों की परेशानी रहने लगी थी, जिससे बबीता और रणधीर के रिश्ते में दरार आ गई। बबीता ने तो अपना फिल्मी करियर छोड़ ही दिया था, लेकिन वो अपनी बेटियों को एक्ट्रेस बनाना चाहती थी, पर इस बात के लिए रणधीर कपूर तैयार नहीं थे। लेकिन बबीता ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटियों को एक्ट्रेस ही बनाएंगी। इस बात पर रणधीर और बबीता का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया, जिसके बाद साल 1988 में बबीता ने उनसे अलग होने का फैसला कर लिया और उन्होंने रणधीर को अपने अपार्टमेंट से जाने तक के लिए कह दिया था। रणधीर अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगे, जबकि बबीता अपनी दोनों बेटियों करिश्मा और करीना के साथ रहने लगी। हालांकि दोनों ने तलाक नहीं लिया था। बबीता अपनी दोनों बेटियों का करियर बनाने में लग गई। बबीता ने कपूर खानदान की परंपरा के खिलाफ जाते हुए अपनी दोनों बेटियों करिश्मा कपूर और करीना कपूर को एक्ट्रेस बनाया। 1991 में करिश्मा कपूर ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। बबीता की वजह से करिश्मा कपूर खानदान की ऐसी पहली एक्ट्रेस बनी जिन्होंने फिल्मों को अपना करियर चुना। साल 2007 में बबीता और रणधीर के रिश्ते पहले से सुधरने लगे। बेटियों का करियर बनाने की वजह से बबीता को 19 साल तक रणधीर से अलग रहना पड़ा। अब दोनों अक्सर परिवार के फंक्शन में साथ देखे जाते हैं।
भले ही बबीता जी का करियर मात्र 19 फिल्मों तक ही सिमट कर रह गया हो, लेकिन एक माँ के रूप में उनके अपने फैसले की वजह से उनकी दोनों बेटियाँ इंडस्ट्री की टॉप की एक्ट्रेसेस बनी। करिश्मा कपूर जहाँ 90 के दशक की नंबर 1 हीरोइन रहीं, तो करीना आज भी इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली अदाकारा हैं। बबीता जी आज एक खुशहाल जीवन बिता रही हैं। फिल्मटेनमेंट की पूरी टीम उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। बबीता जी के बारे में अपने विचार और उन पर फिल्माया गया आपका सबसे पसंदीदा गाना हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना प्यार दिखा सकते हैं। साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।